मेरा नाम एन मसूदन राव, स्कूल स्टूडेंट हिंदी। इससे पहले मेरा परिचय हो चुका है। तो आज मैं नौवीं कक्षा के तीसरी पार्ट को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक चित्र दिखाऊंगा और चित्र संबंधी प्रश्न को भी मैं पूछूंगा। तो यह है चित्र, यह है चित्र, ध्यान से देखिए। ओके, तो छात्र इससे पहले तुम सभी लोग ये करिए कि अपने पाठ्य पुस्तकों को खोल के रखिए और मैंने जो चित्र तुम लोगों को दिखाया उस चित्र को देखते हुए मेरे प्रश्नों के जवाब बताने की कोशिश कीजिए। तो पहले यहाँ पर दिया गया है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर चित्र है तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में अगर ये कक्षा में तुम सभी लोग रहेंगे तो ये इस प्रश्नों के उत्तर तुम लोग बताना होगा, लेकिन यहाँ पर तुम लोग नहीं हैं और ये वीडियो लेसन है, तो इसलिए खुद मैं ही इन प्रश्नों के उत्तर बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रहा है और उनके हाथ में एक छोटी सी कुत्ता और पेड़ और वहाँ यहाँ पर एक दीवार और यहाँ पर छोटे छोटे हरियाली पौधे, जो प्रकृति में जो भी दिखाई देंगे वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो दूसरे प्रश्न है, तो देखिए लड़की क्या कर रही होगी। दूसरा प्रश्न है लड़की क्या कर रही होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लड़की के हाथ में छोटी सी कुत्ता है, तो क्या कर रही होगी, ये चेस्तू उंडच्छु। तो मैं एक एक लड़का लड़की अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक बोल सकता है लड़की ने कुत्ता को पालने के लिए घर ले जा रही होगी, नहीं तो जो भी सड़क पर कुत्ता घायल हुई होगी तो उसे कुछ चिकित्सा करने के लिए भी ले जाती रही होगी। ऐसे अनेक प्रश्नों अनेक उत्तरों को हम तुम्हारी ओर से मैं ले सकता हूँ। तो तीसरा प्रश्न है वह क्या सोच रही होगी, वह क्या सोच रही होगी। तो क्या सोच रही होगी तो लड़की ने, तो इस प्रकृति में अनेक जीव जंतु हैं, तो इन जीव जंतुओं की भलाई हमारा कर्तव्य होगा। तो प्रकृति का संरक्षण करना हमारा दायित्व भी होगा। ये सभी उनके विचार हो सकता है। ये सभी तीन प्रश्न हैं, ये उन्मुखीकरण संबंधी प्रश्न हैं। तो उनके यहाँ पर तीसरा प्रश्न में ही हमारा पाठ का नाम भी आ सकता है। तो प्रकृति संबंधी संरक्षण के बारे में ये लड़की सोचती होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब हमारे प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, प्रकृति भलाई के लिए, प्रकृति में हमें सुरक्षित रहने के लिए हम सभी अपने अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना होगा। तो हमारा पाठ का नाम है बदले अपनी सोच, बदले अपनी सोच। यह है उन्मुखीकरण के चित्र के द्वारा जो तीन प्रश्नों से हमें पाठ का नाम निकालिए है। तो यहाँ पर उद्देश्य भी है। तो एक बार देखिए उद्देश्य भी है यहाँ पर। ओके, तो मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना है। तो भाषण की जानकारी प्राप्त कर, भाषण का अर्थ है स्पीच, उपन्यासों में मैंने बाद में बताऊंगा भाषण का अर्थ है स्पीच। तो यह है ये पाठ भाषण संबंधी पाठ है, यानी उपन्यास संबंधित पाठ। तो छात्र हमें क्या करते हैं, अध्यापक आते हैं, पाठ सुनाता है और पाठ समझाता है और पाठ संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं, परीक्षाओं में लिख लेते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र अगर बाहर जाए कोई ना कोई विषय के बारे में बातचीत करने के लिए झिझकते हैं,
उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, किसी विषय के बारे में, किसी अंश के बारे में भाषण देने के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तो भाषण देना भी एक प्रकार की कला है। ऐसे एक इस कला को जो उसकी जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्र भी किसी न किसी अंश के बारे में, तेलुगु हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भाषा में भी अपने विचारों को व्यक्त करना भी सीखना चाहिए, जो इस पाठ के द्वारा इस भाषण कला को छात्रों में उत्पन्न करना है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, पर्यावरण संरक्षण, तो हम सभी इस प्रकृति में जी रहे हैं। प्रकृति अगर हरियाली रहे, प्रकृति अच्छे रहे, तो हम अच्छे तरह जी सकते हैं, बिना बीमारी से और किसी प्रकार की जो अन्य जो अस्वस्थता अगर हम नहीं आए तो हमें अच्छे जी सकते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है। तो ये सभी हमारे पर्यावरण पर ही होता है। तो इसलिए ये पर्यावरण के रक्षण संरक्षण हमारा दायित्व है, ये इस पाठ का उद्देश्य है। तो इसलिए तो हमें पर्यावरण के प्रति अपने सोच को बदलना के बारे में यहाँ पर ये भाषण पाठ दिया गया है। चलो बच्चों, तो पहले क्या करना है, अगर सभी लोग इस कक्षा में रहेंगे तो मैं सभी छात्रों से एक एक करके इस पाठ को पढ़ाता था, लेकिन तुम सब लोग जानते हैं हम वीडियो पाठ में हैं, तो इसलिए तुम्हारे बगैर मैं आदर्श वाचन करके इस यहाँ पर दो तीन परिच्छेदों को पढ़कर मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। सभी छात्र पाठ को निकालिए और दूसरे पन्ने पर जाइए और एक एक वाक्य को मैं पढ़ते जाऊंगा, उस वाक्य को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों के से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवी बादल मरते जा रहे हैं, हर पांच में से दो व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित कर बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। तो मैं अब जो पढ़ाता पाठ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक बार पाठ को मैं भी मेरे कैमरा से दिखाऊंगा, देखिए बच्चों। तो यहाँ से लेकर ऐसे 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 आकर यहाँ तक मैंने पढ़ाता, सोचो तक मैंने पढ़ा था। तो और एक बार मैं आदर्श वचन करके सुनाऊंगा और एक बार दोबारा देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्न श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू बढ़ते जा रहे हैं, हर पांच में से दो व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देना जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो।
तो यहाँ तक मैंने अब आदर्श वचन करके सुनाया था। अगर तुम लोग यहाँ पर रहे तो ये इस पाठ को वैयक्तिक वाचन करते थे, नहीं लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। मैं तुम लोगों को एक बात सुनाना चाहता हूँ। अब हमें इस पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आए हैं, तो उस कठिन शब्दों को क्या करना चाहिए, तुम खुद ही जहाँ पर कठिन शब्द आए हैं वहाँ पर रेखांकन करते जाइए। ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మనం చదివామో కఠినమైన పదాలు ఉంటే వాటి కింద అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. జో కఠిన శబ్దం కి నీచే రేఖాంకన్ కర్తే జాయే ఔర్ ఉస్ రేఖాంకన్ కియే హుయే కఠిన శబ్దం కో అప్నే పాస్ స్థిత శబ్దకోశ కే కి సహారా సే ఉస్ అర్థం కో ఢూంఢ లీజియే. ఓకే పర్వాలే, మై తుమ్ లోగోన్ కో ఇస్ వీడియో లెసన్ మే वो सहायता करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों को रेखांकन करके यहाँ पर दिखाया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐक्य राष्ट्र संघ की UNO, अंग्रेज में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल, प्रश्न, लाडली प्यारी प्रियमैना, भाषण स्पीच उपन्यासम, लुप्त अदृश्यम, पीढ़ी तरमु यानी जनरेशन, प्रदूषण कालुष्यमु अंग्रेज में पोल्यूशन कहते हैं, मजबूर तपनसरिगा जरूरी जो कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कठिन शब्दों को मैंने तुम्हारी ओर से रेखांकन करके यहाँ पर जो श्याम पट पर लिखा था उसे एक बार देख लीजिए। अगर इसे भी ज़्यादा कठिन शब्द अगर तुम लोगों के सामने आए इस पाठ के अंतर्गत, उसे भी रेखांकन करिए और मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जाएंगे पाठ पठन के अंतर्गत चर्चा। तो वास्तव में यहाँ पर मैंने ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो पाठ जो इस परिच्छेद को तुम लोगों को तेलुगु में भी अनुवाद कर सकता हूँ, लेकिन जो पाठ पठन के अंतर्गत मैं तुम लोगों को छोटे छोटे सरल प्रश्नों के रूप में उत्तर तुमसे मैं लेना चाहता हूँ। देखिए, तो देखिए पहले लड़की की आयु कितनी है। तो मैंने यहाँ पर जो परिच्छेद में कम से कम 10 से 15 तक लाइन्स है, यहाँ पर एक एक लाइन के लिए छोटे छोटे प्रश्न को मैंने तैयार करके यहाँ पर लिखा हूँ। तो लड़की की आयु कितनी है, तो यहाँ पर दिया है लड़की की आयु 13 वर्ष है, अम्माई वैसन का 13 संवत्सर। जो एक लड़की इस जो पाठ में है वो लड़की यहाँ पर चित्र के अंतर्गत हमें देख सकते हैं। एक लड़की ने भाषण दे रहे हैं UNO में, जो उस लड़की की आयु कितनी है, आयु यानी वयसु कितनी है, 13 वर्ष है। और लड़की का नाम क्या है, जो ये लड़की हम यहाँ पर देख रहे हैं इस लड़की का नाम क्या है, तो यहाँ पर है युगरत्न श्रीवास्तव। तो सभी को सोचने का मजबूर किसने किया, तो जब ये लड़की ने UNO में भाषण देना शुरू करी तो सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, अंदर ने आलोचन पर जैसे नाम है। तो उस प्रकार सब लोगों को सोचने का मजबूर किसने किया, युगरत्ना ने किया। कौन किया, युगरत्ना ने किया। तो और एक बार देखिए, लड़की का नाम युगरत्ना है, उनकी आयु 13 वर्ष है। तो उन्होंने क्या, युगरत्ना ने सवालों का जवाब मिला। तो वो लड़की ने UNO में अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछी, तो क्या उन प्रश्नों के आंसर मिला है, नहीं। आमे चारा प्रश्न अड़िगिंदी आ स्पीच लो, कानी एवरो जवाब चपड़ा। सबको किस पर गर्व है, तो उनके प्रश्नों को देखकर सब लोग पुलकित हो गए हैं, गर्व प्रकट किए हैं। तो उस प्रकार किस पर गर्व हुआ है, युगरत्ना पर गर्व हुआ है। तो भारत की लाडली कौन है, युगरत्ना है। यानी यहाँ पर भारत की लाडली, भारत देश प्रेम अम्मा एवरो, युगरत्न श्रीवास्तव। सबको किस पर गर्व है, అక్కడ ఉన్నటువంటి కూర్చున్నటువంటి వివిధ దేశాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ అమ్మాయిని చూడగా ఏం కలిగింది, తో ఉసే గర్వ హువా హై సబ్ లోగోన్ కో యువరత్న కో దేఖకర్ ఔర్ యువరత్న కహాన్ భాషణ దియా తో పాఠ్ కే అంతర్గత్ మైనే పహలే సే బోల్తే ఆ రహా హూ యువరత్న నే భాషణ దియా హై తో యే భాషణ కహాన్ దియా హై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ మే భాషణ దే రహీ హై। तो यहाँ पर पहले से लेकर सात तक जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने तुम लोगों को इस परिच्छेद के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार के सरल प्रश्न पूछा था, सभी प्रश्न पाठ के अंतर्गत है। तो और एक बार दोहराना चाहता हूँ, लड़की की आयु 13 वर्ष, लड़की का नाम युवरत्न श्रीवास्तव, और सबको सोचने पर मजबूर कौन किया, युवरत्न किया। तो अनेक सवालों को प्रश्न तो उन्होंने अनेक सवालों का प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या उनका जवाब मिला है, नहीं मिला है। तो किस पर बहुत गर्व हुआ, युवरत्न श्रीवास्तव पर गर्व हुआ। तो भारत देश की लाडली जो सिर्फ 13 वर्ष की लड़की ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपने भाषण में जो अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछी है, वो इससे भारत देश की वो लाडली बन गई है। और युवरत्न भाषण उन्होंने दिए हैं। और युवरत्न ने कब भाषण दिया, तो और एक छोटा प्रश्न है यहाँ पर, मैंने दूसरे पैराग्राफ में तुम लोगों को बताया था। तो युवरत्न ने कब भाषण दिया, सितंबर 2009, 2009 सेप्टेंबर लो अम्मई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पीच इच्छी। युवरत्न अपने भाषण में किसके बारे में प्रस्ताव किया, तो मैंने इसका जवाब यहाँ पर वहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन छोटा बड़ा है। तो उन्होंने प्रस्ताव किया, हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालयाल करीपोतनाई, ध्रुवी बालु मरते जा रहे हैं, ध्रुव पेरुगुबंड चचपोतनाई, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पानी पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, प्रति 5 इधर స్వచ్ఛమైన మంచులు లేక చనిపోతున్నారు, ఆసామున్ పేట్ పోదంకు కొనేకి కగార్ పర అయి పచ్చడి చెట్లని అంతరించిపోతున్నాయి, ప్రశాంత్ మహాసాగర్కే పానీ కాస్త బడతా జరాయి, మహాసముద్రాల యొక్క వాటి యొక్క విస్తీర్ణం పెరిగిపోతుంది, అదంతా దేనికి సంబంధించిందంటే పర్యావరణం పాడైపోతుంది, జో హిమాలయ పిఘలతా జరాయి, ధ్రువీ వాళ్ళు మరతే జరే ఆర్ హరియాలీ పేట్ పోదే లుప్త హోతే జరే హై, ఆర్ వైసీ महासागरों का जो स्तर बढ़ते जा रही है, ये सभी पर्यावरण को बर्बाद करने वाले अंश हैं। तो यह है यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव किए हुए मुख्य अंश। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिए हैं, मन पेदवाले विचार मन मुंतर वालों अंटे, तो स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रह को दिए है। मन पूर्वी मन के चाल परशुभ्रमें मंच ग्रहान इच्छा, कालुष्य लेनी भूग्रहान इच्छा, मनमेम मत सर्वनाशन। तो हम अपने भविष्य की पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने अच्छे ग्रह को दिए हैं, लेकिन हम पूरे प्रदूषित कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। हम जो अगले आने वाले हमारे भविष्य मन पिलर की वाल पिलर की मन व्यवस्था होते प्रदूषित और बिगड़े हुए ग्रह पूर्ति का कालुष्यमైపోయినా పాడైపోయినటువంటి గ్రహాన్ని మనం ఇవాళ మన తర్వాత తరాల వారికి ఇస్తున్నాం। ఈ అంశాలన్నీ కూడా యుగరత్న శ్రీవత్సవ అనే అమ్మాయి కేవలం 13 సంవత్సరాల అమ్మాయి సెప్టెంబర్ 2009 చాలా చక్కగా తన అదైన శైలిలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి నష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిని విపులంగా వర్ణించి చెప్పి వాళ్ళందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది। వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అమ్మాయి భారతదేశం నుంచి వచ్చింది, చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడింది అందరూ కూడా గౌరవ। तो इस प्रकार हमें इस पाठ पठन को हमें चर्चा के रूप में छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर जवाब के रूप में हमें यहाँ पर पाठ को समझाया है मैंने। तो तुम लोग ये कर सकते हैं, सभी 11 प्रश्नों के उत्तरों को इकट्ठा करके जमा करके एक अच्छे सारांश को भी तुम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, तो ये है हमारे इस बदले अपने सोच के पहला भाग है। तो इस प्रकार युवरत्न श्रीवास्तव ने किस प्रकार क्या किया है, अपने भाषण में क्या क्या मुख्य अंश को यहाँ पर लिए हैं, हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अगर इसके अंतर्गत कोई समस्या है यानी कोई तकलीफ हुई है, तो और एक बार पाठ को पढ़िए और तुम्हारे राज्य प्रश्न से सवाल कीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।